मुद्र जी तथा अन्य अध्यापक मेरे समक्ष बैठे सभी चारों संतों के छात्र छात्राओं भाई तथा बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष जिस विषय को लेकर इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, मेरे उस विषय का शीर्षक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1920 ईस्वी के दशक के बाद भारत के जिन युवा नेताओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के मोतीलाल जी के वहाँ हुआ। इनके पूर्वज श्री राजकौर 18वीं शताब्दी के अंत में कश्मीर में इलाहाबाद में रहने लगे। नेहरू इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पास धन दौलत की कोई कमी न थी। जवाहरलाल जी का बचपन भी संपन्नता के इसी माहौल में व्यतीत होने लगा। माता स्वरूप रानी ने बाल्यकाल में ही इनमें अच्छे संस्कार डालने प्रारंभ कर दिए थे। 15 वर्ष तक की आयु की शिक्षा नेहरू जी की घर के अंग्रेज और आयुष अध्यापकों की देखरेख में हुई। 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने पहले हेरो के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री पास करने के बाद 1912 ईस्वी में स्वदेश वापस लौटे। लंदन में रहते हुए इन्होंने साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र इत्यादि विषय का गहन अध्ययन किया। अपने अध्ययन काल में नेहरू पर अमेरिका व यूरोप की विभिन्न उन्नति का विशेष प्रभाव पड़ा। भारत की गरीबी और प्रतंत्रता इन्हें अभिशाप प्रतीत थी। इसी सोच ने उन्हें भारतीय स्वाधीनता की ओर प्रेरित किया। सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह कमला जी से हुआ। इसके उपरांत इनका अधिकतर समय स्वतंत्रता और व्यतीत होने लगा। सन 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने तो नेहरू जी के दिल को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब नेहरू जी पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान वे पहली बार जेल भी गए। इनके कई वर्ष जेल में व्यतीत होने लगे। जेल के बाहर आने के बाद इनका अधिकतर समय उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों के दौरों में व्यतीत होने लगा। सन 1927 में नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पराधीन देशों में सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप के विशेष नगर पहुंचे। वहां पर कई पराधीन देशों के प्रतिनिधि से विचार विमर्श किया और इसके द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद वे रूस भी गए। वहाँ पर अत्याचार, जार और शासन और जागीरदारी के विरुद्ध चलाए जा रहे जनता के संघर्ष की भी इन्होंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। दिसंबर 1927 ईस्वी को कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की बात को प्रभावशाली ढंग से सभी नेताओं के समक्ष रखा। इसके बाद अंग्रेजों के शासन के प्रति कांग्रेस के रुख में परिवर्तन आने लगा। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया और एस सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया। इसी दौरान स्वराज्य की मांग को लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन में नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस तरह स्वराज्य की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। नेहरू जी ने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा में भाषण देते हुए देश के नव निर्माण के लिए भावी कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन किया। इनमें गरीबी, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानता को दूर करना और देश को वैज्ञानिक पथ पर ले जाने का आह्वान था। नेहरू ने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकें लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरी विश्वविद्यालय कहानी इतिहास और हिंदुस्तान की कहानी के रूप में प्रकाशित हुई। जेल में रहते हुए नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम जो पत्र लिखे, वह पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। वे 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे विश्व के पंचशील के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। देश के नव निर्माण का यह शांति दूत 27 मई 1964 ईस्वी को संसार को छोड़कर हम सबसे सदा के लिए दूर हो गया। धन्यवाद।